नमस्कार राग गिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा सौभाग्य है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस देश में कथक के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार और उतने ही प्रतिष्ठित गुरु पंडित जय किशन महाराज जी ये तो उनका एक परिचय है लेकिन एक बड़ा परिचय यह भी है कि वो कथक का पर्याय कहे जाने वाले इस देश के बेहद सम्माननीय कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी के पुत्र हैं सुपुत्र हैं तो ये दो परिचय इसलिए पंडित जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बहुत बहुत नमस्कार तो कैसे जैसा हैं? मैं, मैं बहुत अच्छा हूँ आशीर्वाद है आपका पंडित जी और आ, इस इंटरव्यू को भी दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं क्योंकि तभी इस इंटरव्यू के साथ न्याय हो पाएगा जब आप जैसा कलाकार एक इंटरव्यू में जुड़ता है तो जैसा मैंने आपके परिचय में कहा कि दो बहुत स्पष्ट परिचय हैं एक पंडित बिरजू महाराज जी का पुत्र होना और दूसरा आपकी अपनी कला आपका अपना सफर आपकी अपनी साधना आपका अपना समर्पण तो शुरुआत के पहले पक्ष में हम आ जाते हैं आपके बचपन आपके गुरु आपके पिता पर और उसके बाद आपके आपकी आपकी जो कला है आ, उस पर भी आएंगे तो पहला प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक सा है वो यही है आ, कि बचपन कैसा याद आता है क्योंकि पंडित जी का पिता होना मतलब उनके पिता पक्ष से हम लोग अभी परिचित नहीं है उस तरह से कलाकार पक्ष तो है गुरु पक्ष भी है पक्षे आप परिचित कराइए सबसे पहले तो शिवेंद्र जी मैं मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि ईश्वर ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया काल का बिंदा दिन घराना लखनऊ और उसके साथ साथ ऐसे पिता का पुत्र होना मतलब मेरे लिए बहुत ही मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ इस बारे में कि ऐसे घर में पैदा होना ऐसे पिता का पुत्र होना और आज पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हमारी जो परंपरा चली आ रही कथक की जो आठ पुश्तों से चली आ रही मैं इस अपने घर का आठवां पुश्त हूँ मेरा बेटा नाइन्थ जनरेशन है त्रिभुवन महाराज वो भी बहुत लगन के साथ बहुत मेहनत के साथ उसी तरीके से जैसे एक परंपरा को चलाना है चलना है उस प्रकार से वो भी लगे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये परंपरा की जो कड़ी है वो जुड़ती जा रही है और आगे कायम है और यही हमारी हमेशा यही रहता है इच्छा रहती है मनोकामना भी है, हमारी यही है ये परंपरा सौ पीढ़ियों तक तो यूं ही चलती रहे और लखनऊ घराना और इस वृंदाधिन घराने की जो नाम है और महाराज जी का जो नाम है उसमें उसका उसमें चार चांद लगता रहे तो सबसे पहले तो मैं भी अपने को बहुत बहुत सौभाग्यशाली ही समझता हूँ कि मैं इस परिवार में जन्म हुआ मेरा जहाँ तक जन्म हुआ मेरा जन्म लखनऊ में हुआ और लखनऊ में, में मेरा पुश्तैनी मकान जो है वहीं पर मेरा घर में ही जन्म हुआ और बचपन में हमारी अम्मा माँ जो थी वो कहती थी कि बेटा जब तुम छोटे चो से तो तुम तो कभी भी हम मैंने खिलौने से नहीं खेला कभी मेरे लिए झुंझुना नहीं आया बॉल नहीं आया कोई ऐसी चीज नहीं आई जो बच्चों को खिलाया जाता है हमेशा घुघरुओं के साउंड से मुझे खिलाया गया सोरों से हारमोनियम बजा बजा के गाना गा गा के मुझे खिलाया गया तबले की थाप पे खिलाया गया और पैदा होते ही महाराज जी ने तो सबसे पहले मेरे पैरों में दोनों पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए थे तो मैं बिस्तर पे कहते हैं मेरी अम्मा बताती है कि पैर जब चलाता था तो उसमें छुम 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 थोड़ा तो मजा आता था उसको तो मेरा बचपना ही बीता और उसके बाद हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली आकर के हमने यहीं पर अपनी पढ़ाई की भी शिक्षा शुरू की सबसे पहले मैंने हैप्पी स्कूल में आ, पढ़ाई की और उसके बाद भारतीय विद्या भवन में मैंने पढ़ाई किया और साथ ही साथ डांस का भी मेरा सिलसिला जारी रहा उस समय महाराज जी को बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते थे हमेशा और वो मतलब उनका एक पैर दिल्ली में रहता था एक पैर जो है वो हमेशा बाहर कभी बंबई कभी कलकत्ता कभी मद्रास कभी कहीं कभी अमेरिका कभी तो सिखाने का अवसर बहुत उनको बहुत ज्यादा मिलता नहीं था तो आ, लेकिन जब भी समय मिलता था तो मैं और मेरी बड़ी बहन जो थी ना कविता दीदी जो हमारे साजिद जी की पत्नी जी हम दोनों एक साथ सीखते थे डांस और महाराज जी से तालीम लेते थे तो महाराज जी अक्सर कहते थे कि भाई देखो ऐसा है कि मैं टाइम तो उतना दे नहीं पाता हूं तो हमारे हमारे दादा जी हमारे के जो स्टूडेंट हमारे कथक में काम करती थी जो रेवा विद्यार्थी जी के नाम से तो उन्होंने हमें उस क्लास में भेज दिया कहने कम से कम थोड़ा बड़ा बेसिक सीखते रहो तो थोड़ा बड़ा उनसे भी हमें तालीम दिया लेकिन पूर्ण रूप से जो तालीम महाराज जी ने हमें देना शुरू किया और वो तालीम ऐसी तालीम की आज उस तालीम की जो बीज है जो जिससे मैं कितने तालों को निर्माण कर पा रहा हूं और कितनी चीजों को बना पा रहा हूं ये सब उनका आशीर्वाद है और मैं बहुत सौभाग्यशाली भी समझता हूं मैं पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनका पहला शिष्य हूं उसके बाद बेटा तो मैं बाद में हूं पहले मैं उसका शिष्य हूँ तो उन्होंने मुझे दो में गंडा बांधा और एक शिष्य की तरह उन्होंने मुझे अपनाया और मैं अपने यात्रा जो है नृत्य की यात्रा संगीत की यात्रा चला, चला मिला कि मैं महाराज जी से आशीर्वाद तो खैर कई बार मिला लेकिन एक बार मुझे सौभाग्य मिला जब इसी YouTube चैनल के लिए हमने उनसे लंबी बातचीत की थी और हम उनको उनके बचपन में लेके गए और जब उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिताजी यानी आपके जब दादाजी नहीं रहे कम उम्र ये, में ये। कैसे उनका संघर्ष था कैसे माँ छोटी छोटी जगहों पर लेके जाती थी कि महाराज जी थोड़ा सा डांस करेंगे कुछ पैसे मिलेंगे और उससे परिवार का जीवन यापन होगा कभी आपके पिता होने के नाते या उस क्योंकि जब आप लोग पैदा हुए तब तक महाराज जी का नाम होना शुरू हो चुका था वो बहुत बड़ा नाम बनने वाले थे कभी आपसे उन्होंने कहा कि देखो मैं कितना संघर्ष करके आया हूँ कम से कम उस संघर्ष का मोल रखना जो सीखना जो करना पूरे संस्कार के साथ करना पूरी शिद्दत से करना पूरे समर्पण से करना बिल्कुल शुभेंद्र जी महाराज जी हमेशा हम लोगों को पूर्वजों के बारे में बताना उनके उनके जो जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की महाराज जी की यात्रा बहुत ही कठिन रही है हमें पता है और उन्होंने अपने जीवन में जिस जिस तरीके से संघर्ष करके काम किया वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता तीन तीन घंटे छ छ घंटे का रियाज उनका रोज का बीमारी में भी वो अपने रियाज करते थे और साइकिल पे जाके ट्यूशन करते थे फिर उन्होंने संगीत भारती में नौकरी की उसके बाद भारतीय कला केंद्र में आए फिर उन्होंने वहां पर नौकरी की तो संघर्ष तो उनका बहुत ही रहा है उनके जीवन में और हमेशा वो इस बात को अवगत कराते रहे हम लोगों को कि देखो बेटा हर चीज जो है देने को मैं तुम्हें सब फैसिलिटीज दे सकता हूं तुम ए में सो गाड़ी है फलाना है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तुम भी संघर्ष करके हर चीज को प्राप्त करो तो हमेशा उनका मार्गदर्शन ये रहा कि आप तुम भी संघर्ष करो रियाज करो मनन करो और उसके बाद अच्छी शिक्षा लो और अच्छी तरीके से जिस प्रकार से मैंने काम किया वैसे तुम भी करो और मैं उनके साथ साथ जुड़ा रहा इस तरीके से अच्छा जैसा मैंने कहा पंडित जी की हम लोग एक कलाकार के तौर पर उनको आ, कई वर्षों तक जानते रहे उनसे परिचित होते रहे आ, एक गुरु के तौर पर भी उनको जानते रहे पिता के तौर पर सिर्फ आपके पास वो अधिकार है या दीपक भैया के पास है या निश्चित तौर पर कविता जी के पास है और दो और जो बहनें हैं उनके पास है कभी नाराज, नाराज भी होते थे क्या महाराज जी क्योंकि मैंने जब देखा उनको कभी मैंने नाराज होते नहीं देखा आप लोगों ने देखा कभी आ, पड़ी, कभी नहीं। <laughs> कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। कभी डांट पड़ी नहीं 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 ज्यादा गुस्सा आ जाता था तो थोड़ा सा हल्का सा डांट देते थे लेकिन उनका गुस्सा उनको गुस्सा करना आता ही नहीं था उनके गुस्से में भी एक एक अजीब सा प्यार था गुस्सा करते थे लेकिन उसके अंदर बहुत प्यार कर तो कभी भी उन्होंने आ, ऐसा करके कभी नहीं किया कि वो बहुत लाउड होके गुस्सा कर रहे हैं या मार रहे हैं या कुछ भी कभी नहीं हमेशा प्यार से समझाते थे और हर 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 प्यार से उनके हर अदा में, हर एक के में एक कला जो चीज जुड़ी हुई थी ना उनके शब्दों में उनके हर चीजों के अंदर में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने डांटा हो या मारा हो हल्का फुल्का तो हर पिता जो है अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा रहता ही है भाई पढ़ाई करो ठीक से अरे क्यों नहीं करते पढ़ाई ठीक से पढ़ाई करो भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो बड़े प्यार से वो हमेशा हम लोग के साथ में रहते थे हमेशा वो अच्छा वो मुझे बता रहे थे कि अपने इंटरव्यू में जब लंबी बातचीत का जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि जब शतरंज के खिलाड़ी के लिए उनका जो काम था उसमें वो अपना काम करते जा रहे थे लेकिन वो परफेक्शन के इतने करीब जाना चाहते थे कि रीटेक 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 फाइनली ये हुआ कि सत्य कह दिया कि नहीं नहीं अब रीटेक नहीं करो तो बताया गया कि नहीं ये महाराज जी हैं ये अपने काम से तब तक प्रसन्न नहीं होते जब तक इनको नहीं लगता कि इन्होंने सही कर लिया है ये सही ये शिक्षा जब आप लोग को मिली तो आप लोग के साथ था क्या कि बेटा तब तक मेहनत करते रहो तब तक मेहनत करते रहो जब तक ये ना लग जाए कि हाँ अब मैंने सही कर लिया है काम नहीं चलाना है कि हाँ बस आए अपना दो बार ऐसे हाथ किया और थोड़ा सा भाव दिखाया और चले आए मेहनत पूरी करनी सौ परसेंट नहीं बल्कि एक सौ बीस परसेंट देना है।, बिर्कुर, 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 सच, सच बात है और हमेशा वो कहते थे वो कहते थे कि कभी तुम जिंदगी में तसली मत करना की तुम तुम्हारा नाच पूर्ण हो गया है या तुम पूरी तरीके से नाचने लगे हो हमेशा वही हमेशा वही ये भी बात कहते थे अपने मतलब उनके अभी भी समय तक वो हमेशा कहते रहे कि आज भी काश मेरे ऊपर मेरे कोई गुरु होते मेरे बुजुर्ग होते तो मैं आज उनके सामने खड़े होकर के और हाथ बांध करके उनसे मैं शिक्षा लेता लेकिन आज कोई मेरे सर पे नहीं है तो मैं उनको मन में रख करके और मैं अपना गुरु खुद बन करके मैं अः नृत्य खुद सीखता हूँ तो उ, हमेशा ये बात कहते थे कि आ, कभी तसल्ली मत करना कि तुम आ, पूरा तुम्हारा मतलब कंप्लीट हो गया है डांस लगे रहो उसके अंदर जितना निखार ला सकते हो लाते रहो तो आ, हमेशा इस प्रकार से चलते उनका सिखाने का ढंग भी ऐसा था हम लोग को जब घर पे सिखाते थे वो तो आ, वो लुंगी पहनते थे लुंगी ऊपर बेयर बॉडी हो जाते बता ऊपर कुछ नहीं पहनते थे लुंगी को लंगोट की तरह बांध लेते थे फिर कहते थे बेटा बहुत ध्यान से देखो मेरी पीठ की नसें मैं जब हाथ उठा रहा हूं घुमा रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर कहां से कर्विंग आ रहा है एक एक चीज की बारीकी के साथ वो जो समझाते थे मतलब मैं कुछ उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता और वो चीज हम मैंने और कविता जी ने बहुत सीखा उस चीज को लेकर के मुझे तो ये भी सौभाग्य मिला है पंडित जी मतलब बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा कि कविता जी का भी नृत्य देखा हो हम लोग तो चूंकि साजन जी राजन जी का भी बहुत स्नेह रहा बहुत आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही एक पारिवारिक बैठक में उन्होंने कहा और फिर दीदी ने कुछ भाव पक्ष करके दिखाए तो ऐसा लगा कि जैसे वो जो महाराज जी का स्टैम्प जो है ना जो मुहर है वो उसमें दिखाई महाराज जी महाराज जी कहते थे, 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 थे बात को कविता के अंदर में मेरी झलक आती है क्योंकि तो मैं थोड़ा सा शर्माता था मैं भाग जाता था मैं मैं बहुत शर्माता था उसमें डांस मुझे अच्छा नहीं लगता था तो लेकिन कविता दीदी के अंदर में पूरा मतलब लगन था मुझे डांस सीखना है तो उनके अंदर में जो छवि आती थी वो जब खड़ी हो जाती थी कोई भी पोज बना करके ऐसे करके तो महाराज जी कहते थे देखो ये मेरी छवि दिख रही है इसके अंदर में तो बस धीरे धीरे फिर मैं भी प्रयास करता रहा करता रह, उनके अंदर रहा उनके अंडर में मैं खूब रहा उनके साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए देश विदेशों में यहाँ भी फिर बाद में उनके अंडर में ही मैंने कथा केंद्र में भी जो है प्रोडक्शन यूनिट में भी काम किया और वहां पर तो जो मुझे सीखने को इतना मिला कि मैं आपको क्या बताऊं केवल डांस की बात नहीं संगीत की क्षेत्र में भी साहित्य के भी क्षेत्र में तो उन्होंने तो बहुत, बहुत अच्छा, उनकी, उनकी पंडित जी मतलब ये तो आपने शुरुआत ही यहीं से की कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस परिवार में आपका जन्म हुआ लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस व्यक्ति ने उनसे हुबहू मुलाकात की रूबरू मुलाकात की सामने बैठ के उनके चरण स्पर्श किए वो भी बहुत सौभाग्यशाली है मुझसे उन्होंने कहा तो कि मैं आज भी अपने आप को गुरु नहीं मानता हूं मैं आज भी अपने आप को शिष्य मानता हूं अब ये कितनी बड़ी बात है मतलब आपको पूरी दुनिया कथक के पर्याय के तौर पर देखती हो और आप कहें कि मैं गुरु नहीं मैं शिष्य हूं ये सहजता कहां से आती थी उनके अंदर और क्या उन्होंने कभी इसके लिए आप लोगों से अलग से कहा कि बेटा जितने भी बड़े बनना हो बन जाना लेकिन हमेशा नजर नीचे रखना सहज रखना एकदम बिल्कुल सही बात है और मैंने आपको पहले भी कहा ना महाराज जी हमेशा इस बात को कहते रहे।, कहने रहे कि आज भी अगर मेरे ऊपर कोई मेरे बुजुर्ग होते चाहे मेरे चाचा होते या कोई भी होते तो मैं आज भी उनके सामने खड़े होकर के हाथ बांध करके मैं उनसे तालीम लेता लेकिन आज नहीं है कोई मेरे सर पे तो उनको ध्यान में रख करके उनको उनके तस्वीर को उनके देख करके और उनसे मैं बातचीत करता हूँ और मैं उनसे अभी भी सीखता हूँ तो हमेशा इस बात को कहते थे कहते थे कि कभी भी हमेशा बहुत आदरपूर्ण से अच्छी तरीके से अपने नाच को देखो समझो और करो अच्छा जब पंडित जी नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो हम सब लोगों ने देखा कि वहां पर भी कथक के बोल ही चल रहे थे ये विचार कहाँ से आया और क्या आपको उनके पुत्र होने के नाते लगता है कि इससे बेहतर श्रद्धांजलि उस महान कलाकार को और कुछ हो भी नहीं सकती थी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा कलाकार जो हमेशा पूरी जिंदगी सुर लय ताल में हमेशा बंधा रहा उसकी विदाई भी उसी तरीके से हम लोग ने कोशिश की कि वैसे ही हो और हमने उनके सामने उनकी ही चीजों को प्रस्तुत किया और उनको उस पुष्प से उनको श्रद्धांजलि दिया और पढ़न करके कुछ बोल करके कुछ गा करके और उनको श्रद्धांजलि दिया हम लोग ने तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत अच्छी तरीके से उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया हम लोग ने जब उनकी अंतिम विदाई हम लोग ने की है विदाई मैं कहना नहीं चाहता हूँ मैं हमेशा मैं इस बात को जब जब भी कोई कहता है तो मुझे लगता है कि क्योंकि महाराज जी आज भी हमारे साथ हैं मेरे साथ जुड़े हुए मैं कभी भी महाराज जी के फोटो पे कभी माला नहीं चढ़ाता हूँ कभी कुछ नहीं चढ़ाता हूँ क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं हमें मार्गदर्शन आज भी दे रहे हैं वो आपको ताजुब होगा मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी अकेले में जब बैठता हूँ तो मेरे कान में ऐसा लगता है कि कोई मेरे कान में कोई तिहाई बोल रहा है कोई टुकड़ा बोल रहा है महाराज जी की आवाज आती है कि भाई बेटा ये तिहाई सीख लो ये टुकड़ा मैं, मैं उनको अभी जाना नहीं चाहिए था अभी उनको काफी टाइम रहना चाहिए था अपना आशीर्वाद हम तो सब पे बनाए रखना चाहिए था नहीं मैं तो आपकी बात से ही आगे अगर बढ़ूं तो ये सिर्फ आपको नहीं लगता बल्कि उनकी कला ऐसी थी कि हम सब लोग को लगता है कि वो अभी हमारे बीच हैं आखिरी सवाल मैं उनकी स्मृति का पूछूंगा आपसे और वो सवाल ये है कि कोई ऐसा किस्सा बताइए जो आज तक आपने कभी किसी से शेयर ना किया हो लेकिन उससे पहले दो छोटे छोटे किस्से मैं बताता हूं तब तक आप किस्सा सोच लीजिए हम मैं अपनी बिटिया को लेके गया उनके पास और मैंने उनसे कहा कि चरण स्पर्श किए और फिर मैंने बताया कि बिटिया भी सीख रही है तो उन्होंने कहा अरे वाह और सोचिए एक कलाकार जो कथक की सबसे ऊपर की कोई पायदान अगर है तो वहां बैठा हुआ है और उसके सामने एक चार साल की बच्ची कुछ करके दिखाओ तो अब बिटिया तो गोल पांच साल उसकी उम्र थी तो मैंने उससे कहा हमने कहा बेटा ये मौका सबको नहीं मिलता है। ये मौका अगर पंडित जी कह रहे हैं तो तुम्हें जितना तुम्हें आता है वो करो सिखा दिखा दो पंडित जी, जी को मैं पान और वो वीडियो है मेरे पास पंडित जी ने बिटिया ने जितना भी उसने उस वक्त तक सीखा था और उन्होंने फिर शुरू किया उं, 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 उं। अब उनके मुंह में पान है लेकिन उन्होंने उस बच्ची के नृत्य को जो अपनी तरफ से वो सपोर्ट कर सकते थे वो आशीर्वाद के तौर पर वो दिया जो मेरी जहन में मेरे मेरे परिवार की स्मृतियों में हमेशा ताजा रहेगा दूसरा किस्सा जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए बताना मैं जरूरी समझता हूं पंडित जी को तो खैर मैं क्या ही बताऊंगा उनके तो पिता थे कि पंडित बिरजू महाराज का नृत्य आप सभी ने देखा पंडित बिरजू महाराज का गायन भी बहुत लोगों ने देखा लेकिन पंडित बिरजू महाराज बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे उनकी चित्रकारी जो है वो तो कमाल की थी ये। और उन्होंने जब उस दिन का जिस दिन का मैं जिक्र कर रहा हूं जब मेरी बिटिया वहां से चरण स्पर्श करके हम लोग आने लगे तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कथक की एक मुद्रा बनाई होगी बहुत लिया होगा तो शायद तीस चालीस सेकेंड लिया होगा पीले रंग का हम एक पेपर लेके गए थे उनका साइन लेने के लिए वो उन्होंने सिर्फ साइन नहीं दिया वहां कथक की मुद्रा बनाई तीस चालीस सेकेंड में और ऐसी सुंदर मुद्रा उसमें उन्होंने नाम लिख के दिया बिटिया को तो वो उनकी सहजता उनका आशीर्वाद देने का एक तरीका था अब मैं लौटता हूं पंडित इस पर कि कोई वो किस्सा जो अभी तक आपने कभी किसी से शेयर ना किया हो किस्से तो बहुत सारे होते हैं और होकर के गुजर जाते हैं याद थोड़ी ना रहता कि कौन सा किस्सा कहाँ पर क्या हुआ लेकिन किस्सा तो इतना है भैया कि आपको महाराज जी से जुड़ी हुई चीजें एक तो महाराज जी की अपनी जो उपज थी जो उनके जो विचार उन्होंने अपने जिंदगी में आगे के सौ साल का कथक जो होने वाला है वो कर रहा कर लिया अपने कोरियोग्राफी के अंदर में अपने डांस के अंदर में उन्होंने जितनी नई रचनाएं नई चीजों को उत्पन्न किया हो, मतलब वो अः कह बता नहीं सकते उसके बारे में जहां तक हमारे यहाँ हमारे फैमिली में ये कहा जाता है घराने खा, में कि हर आर्टिस्ट को बहुमुखी प्रतिभा का होना बहुत जरूरी है तभी वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट एक पूर्ण आर्टिस्ट कहलाता है उसके अंदर में नृत्य के अलावा आपका गायन वाद्य चित्रकला साहित्य ये सब कुछ बहुत जगह इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है हमारे बिंदाधन महाराज जी ने करीब पांच हजार से भी ज्यादा रचनाएं की आपको पता ही है महाराज जी की तो रचनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं अभी तो गिनना ही शुरू नहीं किया कि कितनी रचनाएं उन्होंने कर डाली सैकड़ों रचनाएं हैं और उसमें ऐसा नहीं केवल ठुमरी दादरा भजन की बात नहीं है उसमें आधुनिक कविताएं कितनी चीजें वो तो हर पग में जहां जाते थे वो एक नई कविता उत्पन्न हो जाती थी तो बहुत साहित्य पे उन्होंने काम किया और उन्हीं के को देखते हुए मैंने फिर प्रयास करना शुरू किया और आज करीब साढ़े तीन सौ से ज्यादा ठुमरी दादरा मैं लिख चुका हूं एक किताब किताब का भी विमोचन हो गया है माधुर्य के नाम से और खुशी की बात यह है कि मुझे देख करके अब मेरा बेटा भी उसको फॉलो करता है अब बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं वो भी करते हैं तो ये एक हमारे यहाँ जो परंपरा है कि केवल नृत्य से मतलब नहीं है संगीत से भी मतलब है आपका गायन वाद्य आपका साहित्य आपका चित्रकला और महाराज जी की पेंटिंग तो क्या हो? पहले शुरू शुरू में बहुत वो थे जब मेरी छोटी बहन जो है ना अनिता वो स्कल्पचर करती है और उसका हस्बैंड जो है वो पेंटर है तो महाराज जी ने कहा कि भाई मैं भी कुछ बनाना चाहता हूं तो लाके उन्होंने कैनवास महाराज जी को कि लीजिए बाबू हम उनको बाबू कहते थे घर में बाबू कहते थे तो ब्रश दे दिया कलर दे दिया सब दे दिया अब वो ब्रश उठा करके वो पेन की तरह पकड़ करके और यूं दबा करके और एक एक ऐसे सा बनाना शुरू किया तो मेरे बहन के हस्बैंड का कि बाबू ऐसे नहीं बजाना रंग लीजिए और मारिए ब्रश ऐसे करके धीरे 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 करके उनके हाथ में ऐसा रंग गया वो चीज कि मतलब कितने सुंदर सुंदर और कितने सोच करके मतलब थी, थीमेटिक पेंटिंग्स उन्होंने इतने बनाई मतलब कह नहीं सकता हूँ कि इतनी सुंदर आकृति आपने भी देखी होंगी कई सारी पेंटिंग्स उनके बनी हुई है तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते रहे वो और साथ में साहित्य का भी उनका बहुत अच्छा रहा तो ये तो है ही उनके साथ में जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दें कि अज्ञे जी की जो पत्नी थी कपिला वातसायन जी उन्होंने महाराज जी को बहुत सपोर्ट किया और महाराज जी जब बहुत मुश्किल के दौर में थे जब पंडित जी का जन्म भी नहीं हुआ था उस दौर में कपिलायन खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि नहीं इस बच्चे में इतनी प्रतिभा है जो पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए तो जब हम कहते हैं कि पंडित बिरजू महाराज को नृत्य संगीत और चित्रकारी के साथ साथ साहित्य का बहुत बड़ा ज्ञान था तो बताने की वजह नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चला आ रहा था वो तो था ही साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया कपिला जी का वो भी एक बहुत बड़ा एक वजह बनी बहुत बड़ा एक कारण बना आप जी ही महाराज जी को लेकर के लखनऊ से दिल्ली आई हैं। जी जी मुझे आ, आ, तो दिल्ली वो के आई और धीरे धीरे भारतीय में आए सुमित्रा चरत राम जी ने उनको किया और उस समय वो वहां भी सिखाते रहे फिर वो पंडित जयकिशन महाराज जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं हमेशा की तरह कल रात ठीक दस बजे फिर हाजिर होंगे और बातचीत करेंगे पंडित जयकिशन महाराज के अपने नृत्य सफर पर अपनी संगीत साधना पर जो उन्होंने कई बरसों बरस से जारी रखी हुई है कल जरूर जुड़िएगा हमारे साथ ठीक रात दस बजे तब तक के लिए नमस्कार